तहरीक इंसाफ जो थी उसके दो जमाव में था, एक काजी फैजी साहब को एक्सटेंशन ना मिले वो उन्होंने उसको दे दी या उनको रिटायर घर जाना पड़ा, दूसरा एक मंसूर अली शाह को बनाया जाए। तो मेरे ख्याल तहरीक इंसाफ के पास भी जो लोकल स्टैंड आए होता है ना वो नहीं था कि आप एक जज के ऊपर करेंगे सारी तरमीम को, आप करेंगे जी मैं इस जज के ऊपर मेरा इनसार है और उसके बाद उनका ख्याल है कि उसके बाद वो जो है उन्होंने खुद ही अपने पत्ते जो थे सही या गलत कर दिए थे कि जी वो इलेक्शन भी वो करेगा खोलेगा। अब उसमें भी ऐसी बात नहीं थी कि मंसूर अली शाह साहब ने कोई बहुत ज्यादा कोई जो है बंदे को खतरा रखना चाहिए, बड़े जबरदस्त जज हैं, बड़े कमाल के हैं कोई शक नहीं। और लेकिन जो डिसीजन उन्होंने किया है ना वो उसके कई तरीकेकार हो सकते थे। अगर वो डिसीजन वो करते तो ये फैसला था, ये था 10-1 का था, क्योंकि जो दो काजी साहब और एक और जज थे शायद अमीनुद्दीन खान थे या कोई और थे, इन दो जजेज ने भी यही कहा था कि जी आप इसकी सीट जो है ये जो मुस्लिम लीग को या पीपल्स पार्टी को या मानव फजल रहमान को नहीं दे सकते, यानी कि उनका ख्याल था कि ये खाली जानी चाहिए अगर सुन्नी इत्तेहाद को आप नहीं देते। और उन्होंने कहा कि ये कहते हैं जी नहीं सुन्नी इत्तेहाद को देते हैं, बिल्कुल नहीं ये नहीं, हमने तो इसको तहरीक इंसाफ को देनी है। ये वो तजावेज है जैसे पहले बदयाल साहब कर चुके थे 63A में कि आपका वोट भी जो आईन कहते हैं कि वोट आपका जो है काउंट होगा और आप कुछ 20 सीट हो जाएंगे पार्टी के जो है ना उसको 63A के साथ, तो वो भी एक ऐसा था कि आईन से तजावज था, ये भी आईन से तजावज था। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो पहला मरला तो मुझे तो 100% यकीन था कि चला गया, उसमें यह जरूर हुआ है कि इस ताश में जो टेस्ट था दो तीन हफ्ते का जो पिछले गुजरे हैं इसके अंदर जो एक पब्लिक ओपिनियन होता है ना उसके अंदर आप हर जगह डिस्कशन सोशल मीडिया ऐसे है जैसे कि ये तरमीम जो है ये कोई उसमें एक होती है क्या कहते हैं कि रेफरेंडम स्टोन है, जबकि इसको मुजाहरा पार्लियामेंट में करना था और मुजवजा तरीके कार मुताबिक करना था, टू थर्ड मेजोरिटी पे करना था।